सो फाइनली तुषार अभी पहुंच चुका है। सो अभी हम जाएंगे प्राचीन पांडव गुफा का ब्लॉग शूट करने। पहले हम आ चुके हैं मुक्तेश्वर धाम और अभी हम नीचे को जाएंगे। और तुषार भैया कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। सो फाइनली हम सीढ़ियाँ उतर के आ चुके हैं इस टाइम नीचे, और जो सामने आपको व्यू दिखाई दे रहा है यहाँ पे लोग सेल्फीज़ और फोटो क्लिक करते हैं। इस साइड जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है वहाँ पे प्राचीन पांडव गुफा है। सामने जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है वहाँ पर है प्राचीन पांडव गुफा, और इस गुफा में एक शिवलिंग भी है जिसकी स्थापना पांडवों द्वारा की गई थी।